महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बजरंग सेना द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बजरंग सेना द्वारा भव्य विशाल रैली निकाली जाएगी। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया जिसमें राहुल पाटीदार काफिला रेस्टोरेंट संचालक को प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ नियुक्त किया गया है। बजरंग सेना परिवार ने राहुल पाटीदार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आगामी समय में भी बजरंग सेना रीवा द्वारा भव्य आयोजन किए जाएंगे। बजरंग सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामशंकर मिश्र ने आमजन से अपील की है, आप सभी का इस रैली में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष सुधीर तिवारी, संभाग अध्यक्ष सोमिल तिवारी, प्रदेश संगठन मंत्री दीपक त्रिपाठी, प्रदेश महासचिव अनूप दुबे, संभागीय संगठन मंत्री लवकुश त्रिपाठी, संभाग उपाध्यक्ष दिनेश गोस्वामी, सुदामा बाधवानी, प्रतीक दुबे, अजय शुक्ला सहित सैकड़ों बजरंग सेना कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बजरंग सेना के द्वारा, जैसा कि आपको पता है कि 18 तारीख को महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बजरंग सेना के द्वारा एक शिव भगवा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसका आयोजन हमारे छोटे भाई प्रतीक दुबे के आयोजन में हो रहा है। और निश्चित रूप से ये किसी विशेष राजनीतिक प्लेटफॉर्म से नहीं है, इसमें रीवा के हर एक व्यक्ति जो हिंदू हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, मैं उनसे आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग सम्मिलित होइए। किसी भी राजनीतिक मंच का ये कार्यक्रम नहीं है, राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो भी अपने को सनातनी मानता है वो सब लोग वहाँ पर आए। कार्यक्रम का आयोजन ढिकहा तिराहे से किया गया है। ढिकहा तिराहा से जो यात्रा है वो काले चौराहा जाएगी, काले चौराहा से सिरमौर चौराहा, सिरमौर चौराहा से अमहिया होते हुए कला मंदिर रोड होते हुए फिर से शिल्पी प्लाजा, और शिल्पी प्लाजा के बाद जो इसका कार्यक्रम का समापन है, कार्यक्रम का समापन आपके कोठी कंपाउंड शिव मंदिर में होगा और वहाँ पर भव्य पूजा अर्चना होगी, महाआरती होगी, उसके बाद कार्यक्रम का समापन होगा और वहीं पे भंडारे का आयोजन। मिश्रा हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के दायित्व में बजरंग सेना में कार्य कर रहा हूँ। आज आपने पटकाई पदाधिकारी नियुक्त किए हैं जी, तो क्या महसूस कर रहे हैं? राहुल पाटीदार हमारे भाई हैं जिनको आज प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ का बनाया गया है। निश्चित रूप से संगठन ये अपेक्षा करता है कि ये बेहतरीन कार्य करेंगे और सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसको लहराने में और सहयोग करेंगे। अभी तक कितने बजरंगी आपके पास हैं जिले में? जिले में करीब 10,000 से ऊपर की हमारी संख्या है, और अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो 48 लाख क्रॉस होगा। मेरा नाम राहुल पाटीदार है, मैं बजरंग सेना संगठन में प्रदेश उपाध्यक्ष व्यापारी प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश में नियुक्त हुआ हूँ। क्या महसूस कर रहे हैं आप ये पद पाकर? मैं बजरंग सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदस्यगण और पदाधिकारी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस लायक मुझे समझा और अपने संगठन में सम्मिलित किया। कैसे उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पाएंगे आप? सनातन संगठन है, हिंदू संगठन है, और हम सब हिंदू राष्ट्र को बढ़ावा देने के लिए इस संगठन से जुड़े हैं। हम चाहेंगे जितना से जितना मेरा सहयोग इस संगठन को प्राप्त हो, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से इस संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। आशीष वर्मा की रिपोर्ट।